वेलकम गाइस एमएस एडिटिंग चैनल। तो गाइस आज का हमारा वीडियो कुछ यूनिक होने वाला है, क्योंकि आज हम यूनिक प्रकार की फोटो एडिटिंग अपने पिक्सआर्ट ऐप में करने वाले हैं, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको मिलते रहे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूजर आईडी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। तो गाइस अपना वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आपको अपने पिक्सआर्ट ऐप में ब्लैक बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेना है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद में आपको एड फोटो पे जाना है और जिस फोटो को आपको यहाँ पे एडिट करना है उसको अपने पिक्सआर्ट ऐप में इंपोर्ट कर लेना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया हूँ। उसको आपको इंपोर्ट करने के बाद में इसको एक जगह फिक्स कर देना और आपको यहाँ पर कटआउट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको ऑन करना। ऑन करने के बाद में आपकी बॉडी के चारों तरफ यहाँ पर आउटलाइन ड्रॉ कर देनी है सिंपली। तो यहाँ पर मैं आउटलाइन अपनी बॉडी के चारों तरफ यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो गाइज अगर आपका पहले से बैकग्राउंड इरेज है तो आप सिंपली ये स्टेप जरूर नहीं आप इसे फॉलो करें। तो आपको यहाँ पे अगर आपकी बैकग्राउंड कंप्लीट इरेज नहीं होता तो आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए। करेक्शन करने के बाद में आपको कुछ ही नहीं करना, परफेक्ट तरीके से आपको यहाँ पे करेक्शन करना है। जितना टाइम लेके आप यहाँ पे फोटो का करेक्शन करोगे उतनी बेहतरीन आपके यहाँ पे बैकग्राउंड इरेज होएगा। तो करेक्शन करने के बाद में आपको सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ पर फोटो को यहाँ पे आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में आपको यहाँ पे फोटो को एक जगह फिक्स कर देना है, जिस जगह आप इस फोटो को एडिट करना चाहते हो, जिस साइज़ में आप इसको एडिट करना चाहते हो उस साइज़ में आपको यहाँ पे फिक्स कर देना है। फिक्स करने के बाद में आप लोग को सिंपली कुछ नहीं करना, आपको वापस अपने एड फोटो में जाना है। एड फोटो में जाने के बाद में आपको सिंपली कुछ PNGs है यहाँ पे, उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेनी है। तो ये दो PNGs है, इनको आपको थोड़ा इसमें करेक्शन करना है PNGs में। तो आपको एडजस्ट वाले ऑप्शन पर जाना है और आपको सेचुरेशन को यहाँ पे बिल्कुल कम कर देना है, ब्राइटनेस को कम कर देना है और यहाँ पे शेडो वालों को भी यहाँ पे बिल्कुल ही कम कर देना है। तो यही स्टेप आपको सेकंड वाली PNGs पे भी अप्लाई करना है। आपको वही ब्राइटनेस को यहाँ पे कम करना है, सेचुरेशन को कम करना है और शेडो को यहाँ पे आपको कम कर देना है बिल्कुल -100 पर। तो अब इसको आपको आपके बॉडी के साइड पर आपको इसको सेट कर देना है। तो जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है तो आपको इस प्रकार से आपकी बॉडी के साइड में सेट कर देना, ताकि आपकी बॉडी पर थोड़ी ब्लैक कलर की शेडो नज़र आए, जिससे आपकी एडिटिंग यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो सके। तो गाइस इस प्रकार से आपको सेट कर लेना है। थोड़ा आपको बॉडी के यानी आपके फेस पर थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैक शेडो नज़र आनी चाहिए, जिससे आपकी फ़ोटो में थोड़ी और क्लियरिटी नज़र आएगी। तो यहाँ से आपको राइट क्लिक करने के बाद में आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको टूल्स वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे टूल्स वाले ऑप्शन पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे एडजस्ट सेलेक्ट करना है। एडजस्ट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से आपके अनुसार यहाँ पे करेक्शन कर सकते हो। ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, ताकि आपके फेस में थोड़ा सा यहाँ पे लाइटनेस नज़र आए, और क्लियरिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना और हाईलाइट को भी थोड़ा सा यहाँ पे आपको लो कर देना है, ताकि आपकी शेडो थोड़ी और ज़्यादा यहाँ पे नज़र आए, और शेडो को भी थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिक्रीज कर देना। डिक्रीज करने के बाद में सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको कॉर्नर से फोटो को आपको राइट क्लिक करके सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में आपको ड्रॉ वाले सेक्शन में जाना है और आपको फोटो को यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करके सिंपली सेव कर लेना है। और अब आपकी फ़ोटो को यहाँ पर लाइट रूम ऐप में इंपोर्ट कर लेना, ताकि थोड़ा इसमें कलर करेक्शन किया जा सके। तो वह लाइट रूम में फोटो इंपोर्ट करने के बाद में आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, टेम्प वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है उस पर आपको ऑन करना है और मिक्स वाले पे आपको जाना है। तो यहाँ पे सेकंड वाले कलर को सेलेक्ट करके उसकी ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, जिससे कि आपके फेस में थोड़ा सा यहाँ पे कलर करेक्शन हो जाएगा। तो सेचुरेशन को यहाँ पे थोड़ा सा आप कम कर दीजिए, ताकि रेड फेस आपका कम हो जाए। और बाकी कोई कलर इसमें है नहीं, आप एक रेड वाले कलर को भी यहाँ पे आप रिटच कर सकते हो। तो और कलरों करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि और कलर इसमें आपके फ़ोटो में है ही नहीं। फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप करना चाहो तो कर सकते हो, इसका कोई आपको इफेक्ट यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। तो सिंपली आपको कलर का करेक्शन करने के बाद में आपको सिंपली कुछ नहीं करना, कॉर्नर से आपको राइट डन कर देना है। राइट डन करने के बाद में आपको टेम्प वाले ऑप्शन को थोड़ा सा यहाँ पे आपको हल्का सा थोड़ा सा यहाँ पे आपको इंक्रीज कर देना है, और टेंट वाले ऑप्शन को भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा हल्का सा
टिंट वाले ऑप्शन को भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा इंक्रीज -29 -8 के आसपास आपको यहाँ पे सेट कर देना है, और वाइब्रेंस को भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंक्रीज कर देना है, और सेचुरेशन को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है 7 तक। उसके बाद में आपको वापस स्टार वाले ऑप्शन पे जाना है। एक्सपोजर को थोड़ा सा इंक्रीज करने से क्या होगा कि आपके थोड़ा फेस में थोड़ी ब्राइटनेस यहाँ पे नज़र आएगी ज़्यादा। उसके बाद में आपको हाईलाइट को कर देना है, आपकी शेडो और थोड़ी डार्क हो, और शेडो को भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंक्रीज कर देना, और वाइट को भी आप थोड़ा सा यहाँ पे करना चाहो तो कर सकते हो, ना कोई ज़रूरी नहीं है आपको यहाँ पे। और ब्लैक्स को थोड़ा सा यहाँ पे आपको कम करना है, जिससे आपकी शेडो थोड़ी सी यहाँ पे नज़र आए डार्क। इसके बाद में नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको जाना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाने के क्लियरिटी को थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज करना है, और विग्नेट को थोड़ा सा यहाँ पे आपको कम करना पड़ेगा। विग्नेट से क्या है कि आपकी शेडो थोड़ी सी और आपके बॉडी के अराउंड आ ही जाएगी, तो शार्पिंग को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना। तो वैसे अब आपको और कोई ऑप्शन की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं, अगर आप कुछ करना चाहो कर सकते हो ना। आपकी फ़ोटो देख सकते हो कि यहाँ पे एडिट हो चुकी है। तो गाइस सिंपली कुछ नहीं, 3 डॉट पर क्लिक करके आपको फोटो को यहाँ पे सेव कर लेना है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।